इन द प्रीवियस वीडियो वी स्टडीड अबाउट थ्री सेक्टर्स और हमने उसको कंपेयर भी किया था बाय टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वीट और वो बिस्किट बनाने वाली फैक्ट्री थी बीच में वीट ग्राइंड करने के लिए था सिस्टम पूरा मैन्युफैक्चरिंग भी वगैरह थी ये सब कुछ था इफ़ यू रिमेम्बर। अब नेक्स्ट है एक मतलब एक टर्म है GDP फुल फॉर्म तो पता ही है हमें इसकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इसका मतलब होता है भाई सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स की जितना भी तीनों सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ है वो सबका सम उसको बोलते हैं GDP सारे सेक्टर तीनों सेक्टर का जितना भी प्रोडक्शन हुआ है जितना भी उनका वैल्यू है उस सब को हम ऐड करेंगे और एक पर्टिकुलर ईयर में किसी एक टाइम पीरियड के लिए होता है ये और ज़्यादातर एक साल के लिए लेते हैं तो टोटल प्रोडक्शन जो होगा उसको बोलेंगे हम GDP। अब जो GDP होता है ना दिस इज़ टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री जो है इसका ध्यान रखती है लेकिन वो लोग क्या करते हैं सारे स्टेट्स और यूटीज से मतलब यूनियन टेरिटरीज से हेल्प लेते हैं उनके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। किस चीज़ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कि कितने गुड्स की वॉल्यूम है गुड्स एंड सर्विसेज और उनका प्राइस और उनका उसके बाद क्या करेंगे ये लोग GDP को एस्टिमेट करते हैं कि भाई इतना होगा ठीक है। तो बेसिकली क्या है GDP जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट एक रिपोर्ट बना के देती है कि भाई इतनी GDP है एस्टिमेट ये लोग करते हैं कैसे करते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट वो लोग क्या करेंगे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे कि हमारे यहाँ कितने गुड्स और सर्विसेज और उनका प्राइस क्या है इस हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। और इससे क्या पता चलता है GDP से ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है किसी भी कंट्री की वो कैसी है वो कितनी बड़ी इकोनॉमी है ठीक है। नाउ नेक्स्ट हेड इज हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स मतलब जो हमारे ये सेक्टर्स हैं जो तीनों सेक्टर्स हमने पढ़े हैं इन तीनों सेक्टर्स में क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई ऊपर हो गया फिर दूसरा कम हो गया। तो देखो प्राइमरी सेक्टर वी नो एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़ बोलते हैं उसको तो प्राइमरी सेक्टर जो है सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर था कौन सा था प्राइमरी के सेक्टर के साथ फिर बाद में क्या हुआ अदर एक्टिविटीज़ शुरू हो गई दूसरी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई और चीज़ों का ख़रीदना और बेचना वो ज़्यादा हो गया। अब इस सेक्टर में क्या है बहुत सारे पब्लिक जो है वो लगी रहती है प्राइमरी सेक्टर यार तुम ऐसे देख लो किसी का एक छोटा सा खेत है अब घर में दो बंदे फालतू हैं मतलब वो कहीं और जॉब करने या पढ़ाई करने या पढ़ाई भी कर रहे हो तो उन्हें शाम को ले जाते हैं खेत में तो वो कुछ कर भी रहे हैं तो भी ठीक है नहीं कर रहे तो चलो खेत में तो वहाँ तो सब लोग लग ही गए ना उसको बोलते हैं हम अंडर एम्प्लॉयमेंट ये अभी शायद आएगा आगे। तो बाद में क्या हुआ 1000 ईयर्स के बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज शुरू हो गई। अब अगर मैं इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ कह रही हूँ तो मैं कौन से सेक्टर की बात कर रही हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या है सेकेंडरी सेक्टर ठीक है ना सेकेंडरी सेक्टर की बात हो रही है और इनके साथ मतलब फैक्ट्रीज आई इंडस्ट्रीज आई तो इनके साथ क्या होगा टेक्नोलॉजी आएगी और नए नए मेथड्स आएंगे और फैक्ट्रीज क्या करेंगी जो यहाँ पर थोड़ा सा महंगा बन रहा था क्योंकि लोग अपने हाथों से बना रहे हैं अब चीज़ें क्या हैं फैक्ट्री से बन रही हैं तो ज़्यादा गुड्स होंगे और रेट क्या होगा कम है ना। तो फिर क्या हुआ सेकेंडरी सेक्टर हमें इम्पॉर्टेंट होता दिख रहा है ना उसके बाद चेंज हो गया कौन सा चेंज हो के आ गया सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में क्या हुआ बहुत सारे लोग काम करने लग गए वर्किंग पीपल इसके अंदर बहुत हो गए बहुत चलने लग गया ये
अच्छा, अब ये क्यों चलने लग गया, मतलब सर्विस सेक्टर इम्पोर्टेंट क्यों हो गया? तो सर्विस सेक्टर जो है वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि सर्विस सेक्टर में हमारे कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, हॉस्पिटल्स, फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेजेस मतलब, फिर टेलीग्राम सर्विसेज, टेलीग्राफ सर्विसेज, पोस्ट ऑफिसेस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट सिस्टम, MCDs, आर्मी का पूरा सिस्टम, बैंक हो गए, इंश्योरेंस हो गया, बाकी कंपनीज हो गई बहुत सारी। तो क्या इनमें पब्लिक नहीं लगेगी, लोग नहीं काम करेंगे इसमें? अब देख लो ज़रा, एक हॉस्पिटल में कितने सारे लोग होते हैं काम करने के लिए, किसी भी कॉलेज में कितने सारे तो बच्चे आते हैं, कितने सारे लेक्चरार्स होते हैं, कितने असिस्टेंट लेक्चरार्स होते हैं, कितने वहाँ वर्किंग स्टाफ होता है ना? तो बहुत सारी पब्लिक हो गई ना, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। अब एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जब ग्रो कर रहे हैं तो सर्विस सेक्टर तो ग्रो करेगा ही ना। सर्विस सेक्टर क्या कर रहा है, इन्हें हेल्प कर रहा है, सारी चीज़ें इन्हें हेल्प करेंगी ना, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, इनको डिमांड बढ़ेगी इन चीज़ों की। और जब इनकम लोगों की इंक्रीज़ होगी तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाएगा, सर्विस सेक्टर में जाएगा, यहाँ से तो पैसा ही कमा रहे हैं, है ना, लगेगा तो यहीं, ठीक है। फिर ये हमारी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन वाली जो चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई हैं आजकल के टाइम पे। बहुत सारी सर्विसेज हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं तो वो कहाँ जाएंगी, सर्विस सेक्टर में जाएंगी। तो इसलिए क्या होगा, टर्शियरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर इम्पॉर्टेंट तो होना ही होना है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो 2013 से लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया था। ऑलराइट, ठीक है भाई। और GDP जब ये इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है तो GDP तो बढ़ाएगा बढ़ाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या करना होता है, तीनों सेक्टर्स लेने होते हैं, तो GDP जो है इसने इंक्रीज़ कर दी, है ना। बस दैट्स इट। तो दिस इज कवर्ड योर हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर्स और राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन प्रोडक्शन। दिस इज ऑल्सो डन। नेक्स्ट टॉपिक विल बी वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड, कि बहुत सारी पब्लिक जो है वो कहाँ एम्प्लॉय करती है, कहाँ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखना बाकी चीज़ें। तड़ा।